अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो है प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ लॉरियल पेरिस इनफॉलिबल 32 आवर फ्रेश फेयर फाउंडेशन की। तो ये फाउंडेशन मुझे मिली है अमेजोन में 47 AED में, यानी कि UAE की प्राइस है ये 47। इंडिया में इसकी प्राइस 700 to 900 में आपको मिल जाएगी। तो ये जो लॉरियल पेरिस के जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट हैं वो सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसमें ये ख़ास बात है कि SPF 25 के साथ आती है, विटामिन सी है इसमें, तो जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी है। जब भी हम धूप में जाते हैं या फिर डेली वेयर जो लोग लगाते हैं या जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं ऐसा काम है कि डेली लगाना है, तो उनके लिए ठीक है। तो इसकी शेड मैं बता देती हूँ, मेरी है 015 पोर्सिलेन, जो कि मेरे स्किन से वन शेड थोड़ा सा अप था, लेकिन ये ही मुझे अवेलेबल मिला और मैं जो लेना चाहती थी वो नहीं था, इसलिए मैंने ये लिया। लेकिन अपनी स्किन टोन के मुताबिक ही आप कोई भी फाउंडेशन चूज़ करें। मेरे हिसाब से मेरा 100 होना था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, इसलिए मैंने ये लिया। आप अपने स्किन टोन को देखते हुए अपना फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं, वहाँ हर शेड में ये मौजूद मिलेगा। और पहली बात मैं बता दूँ कि जब भी आप फाउंडेशन लगाओ ना, तो स्किन की प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रिपरेशन अपने स्किन के आप कोई सी भी महंगी फाउंडेशन भी अप्लाई करते हो ना, तो वो केकी फ्लेकी होना ही है। इसलिए अपने फाउंडेशन को दोष ना दो, आप खुद से अपनी स्किन प्रिपरेशन करें। जैसे कि आप अपना स्क्रब कर लें सबसे पहले, उसके बाद कोई अच्छी सी मॉइस्चराइज़र लगवा लें, उसके बाद प्राइमर लगाएं, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करें। आपकी फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्ग वेयर हो सकती है। तो चलिए इसकी ना जल्दी से रिव्यू शेयर कर लेते हैं कि कैसी है। तो यहाँ मेरे हैंड में ना मेहंदी लगी हुई है, जो कि बिल्कुल लाइट सी है, और वो उस पर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं डार्क स्पॉट में भी लगाकर इसको दिखाऊंगी कि ये कितना कवरेज देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो थोड़ा सा रनी है। तो मैं इसे अपने फिंगर से ही बस इस तरीके से डैब डैब करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपकी जो भी स्पॉट्स वगैरह है या फिर जो भी पिगमेंटेशन है वो इसको कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने डैब डैब करके बस ऐसे किया है, तो ये थोड़ा बहुत चला गया। लेकिन जब मैंने स्पंज की मदद से किया ना, जब मैंने मेकअप स्पंज से किया, तो ये आप खुद देखें क्या हुआ, चलिए दिखा देते हैं। तो इस तरीके की कवरेज ये देता है, यानी कि मीडियम कवरेज है, फुल कवरेज नहीं है। लेकिन जो लोग डेली वेयर करते हैं ना, फाउंडेशन डेली वेयर है, डेली लगाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है। जब भी आप इसे लगाते हैं ना, तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप फाउंडेशन लगाए हैं। नेचुरल सा आपका चेहरा लगेगा, ब्राइट लगेगा, बहुत ही ग्लोवी लगेगा, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसे लगाती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया ये। तो अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट है ना, तो मेरा मानना है कि आप कंसीलर लगाएं इसके साथ, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसकी दिखा देती हूँ कि ये इस तरीके की इसकी थिकनेस है। यहाँ देख सकते हैं थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, अपनी स्किन पे हेवी सा महसूस नहीं होगा इसे। तो अगर आप जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, तो आप मेकअप स्पंज से या फिर ब्रश की हेल्प से ही करें, तो ज़्यादा अच्छा से वो स्प्रेड होगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने डार्क स्पॉट के लिए ना यहाँ पे इस तरीके से कलर किया है। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से ना कर दिया है यहाँ पे स्पॉट सा। तो चलिए इसमें कितना काम करता है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा कवरेज नहीं दिया है ये। तो चलिए सेकंड मैंने फिर से एप्लीकेशन किया कि चलिए फिर से मैं एक लेयर और लगा कर देख लेती हूँ इसमें, तो वो भी करके देख लेते हैं। ये जो रिव्यू है ना, ये मैं जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई इसमें पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी लाइट हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं गया है। ये अभी भी आपका स्पॉट्स जो है हो सकता है वो दिख सकता है, लेकिन जो साइड में आपको दिख रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा सा स्किन लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। इसे लगाने के बाद काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है, मेरे को बहुत ही सही लगा। ये अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि जब भी मैं इसे पार्टी में लगा कर गई हूँ ना,
वापस आने के बाद भी ये रहता। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रिव्यू सही लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी या फिर अच्छी जो भी लगी ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।